आज हम छात्रू मुगल मैदान और ये मलवार सिद्दी उछाल के इलाके में हमने टूर किया, क्योंकि कल ईद उल अज़हा है। इस मौके पे लोगों को बहुत ज़बरदस्त किल्लत है, राशन की किल्लत है, शुगर नहीं मिल रहा है, केरोसिन ऑयल नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रही है, और अगर मिल भी रहा राशन वो 3 किलो 2 किलो मिल रहा है। जैसे कि हमने डिमांड किया था कि 50 किलो राशन गवर्नमेंट को लोगों को देना चाहिए। बड़े अफसोस की बात, एक वक्त था कि लोगों को ईद कोटा भी मिलता था, आज वो भी नहीं, और असल राशन जो MMS या JKFS के तहत मिलता था वो भी नहीं आज मिल रहा है। लोग हंगामा कर रहे हैं, लोग परेशान हाल हैं, फाकाकशी के शिकार हैं। जैसे मड़वा वड़वा दचल और चनाव वैली पीर पंजाब और कुरेज और कश्मीर के सभी लोग चावल के बगैर आज ईद के लिए भी लोगों को नहीं मिल रहा राशन। बड़ी मजम्मत करता हूँ इस सरकार की जिन्होंने ये तबाही मचाई है। और इसके साथ साथ यहाँ डेली वेजर्स हैं, HR वर्कर्स हैं, ये जो पानी का की सप्लाई करते हैं, रात दिन काम करते हैं बेचारे, उनको ईद पर पैसा नहीं। जेके PCC में जो बच्चे काम करते हैं उनको तनख्वाह नहीं पिछले 8 महीने की है। आंगनबाड़ी हेल्पर्स, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और बहुत से ऐसे मुलाजमीन हैं जो लगाए गए हैं, जो सोशल वेलफेयर बोर्ड में है या बाकी या पेंशन लोगों की है, सारी बंद पड़ी हुई है। इसलिए इस सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ना ही लोगों को दिवाली पर पूरी तनख्वाह दी इन बेचारों को, और न ही आज ईद उल अजहा के मौके पे दी, लिहाजा ये शर्म की बात है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इन नौजवानों को जो रात दिन काम करते हैं PHE में, PHE डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, फूड सप्लाई में या बाकी डिपार्टमेंट्स में, तो इनको फौरी तौर पे खास करके HR वर्करों की डेली वेजर्स की तनख्वाह जो है फौरन आज शाम तक रिलीज होनी चाहिए। शुक्रिया।